पीटीआई यानी कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के दो बड़े इम्पोर्टेंट लीडर्स जो पहले मंत्री रह चुके हैं इमरान खान की सरकार में, उन्होंने तीन बड़े नाम ले लिए हैं। अब हम आपको स्टेटमेंट सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो तीन बड़े नाम हैं उन्होंने कहा है असद उमर और मियां असलम इकबाल, ये दो पूर्व मंत्री हैं इमरान खान की सरकार के, जिन्होंने कहा है कि तीन लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान पर यह हमला हुआ। वो तीन हैं मेजर जनरल फैसल, यानी आर्मी ऑफिसर का नाम लेना एक सिटिंग आर्मी ऑफिसर का बहुत बड़ी बात है, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस के डीजी रह चुके हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला, तीन बड़े नाम। राणा सनाउल्ला ने हाल फिलहाल में ही एक इंटरव्यू में हामिद मीर के साथ जियो टीवी में कहा था कि इमरान खान को वो बलूचिस्तान की एक जेल में डाल देंगे, बहुत बड़ी बात कह दी थी और कहीं ना कहीं उनकी जान को लेकर भी कोई बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे राणा सनाउल्ला ने। और आज वो देखिए एक पॉलिटिकल टर्न ले चुका है, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान।